नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला सचिव हैं स्वामी सहजानंद जी। इनसे जानने के कई सवाल। सबसे पहले कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट का परीक्षा भी चल रहा है, अब मैट्रिक का होने वाला है जो कि 14 फरवरी से, इसी पर चर्चा करेंगे। सर बताइए कि जब शुरू हुआ था इंटरमीडिएट का परीक्षा, सर काफ़ी आधा छात्र छूट गए थे परीक्षा से, अब ना छूटे, इस पर क्या कहेंगे? इस पर जो है, मैं सबसे पहले हिलसा के जो है प्रेस रिपोर्टर संतोष कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ में जो है हिलसा अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनताओं परीक्षा जो है बच्चे लोगों को मैट्रिक का इस बार नहीं छूटे, इसके लिए जो है लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार और खुद अपने इंटरव्यू में भी बताए हैं कि बच्चे को इस बार स्कूल परीक्षा किसी को नहीं छूटे, क्योंकि जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा जो टाइम जो निर्धारित किया गया था, वो जो निर्धारित समय में जो है चेंजिंग कर दिया गया है, और उस चेंजिंग समय में जो है प्रथम पाली का एग्ज़ाम 9:30 बजे से था और 9:15 तक एंट्री का जो समय था उसको चेंजिंग करके उसका 9 बजे लास्ट समय कर दिया गया है। सभी अभिभावकों से, बच्चे से अनुरोध है कि वो सही समय पे जो है हिलसा अनुमंडल में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, रामबाबू हाई स्कूल, एसयू कॉलेज, पटेल कॉलेज, एमबी कॉलेज, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में आईटीआई कॉलेज हिलसा और विद्या बिहार स्कूल हिलसा में बनाया गया है। इसमें सही समय पे जो है आप लोगों से अनुरोध है कि प्रथम पाली के एग्ज़ाम में आप 9 बजे सुनिश्चित कर दिया जाए, पहुंच जाने का कष्ट करें, परीक्षा हॉल केंद्र में प्रवेश कर जाएं, और ऐसा अन्यथा नहीं तो जो है जो सरकार का जो प्रचार प्रसार के लिए जो है नहीं तो फिर आपका परीक्षा छूट जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है और दूसरी पाली के लिए जो है आपका भी उसमें भी जो है आपका 1:30 बजे से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला जो था वो आपका जो है उसमें भी जो है आपको लास्ट जो है एंट्री जो है परीक्षा का शुरुआत जो है आपका जो है 1:15 से शुरू हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है 1:15 तक होगा, 1:15 तक आपको जो है मतलब आपको प्रवेश। कैसा लगता है सर जब मैट्रिक की जीवन का पहली परीक्षा होता है, लोग तैयार होकर 10 साल तक पढ़ते हैं और पहली बार सेंटर में जाना पड़ता है? ये जो पूरे जो है आपका जो है 10 साल का जो है, 10 साल का जो अपने हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, बच्चे लोग क्या पढ़े, उसका प्रथम जो है परीक्षा होता है और उसके बाद बच्चे लोग को जब मैट्रिक पास करते हैं तो उसका मनोबल दूसरा चेंज हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और इसलिए बहुत परिश्रम से लोग पढ़ते हैं। और इसलिए मैं अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से निवेदन करते हैं कि आपका परीक्षा नहीं छूटे और आप सही समय पर प्रथम पाली में 9 बजे अपने जो है परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाएँ और जो है सेकेंड पाली में जो है 1:15 बजे तक 1:15 तक पहुंचने का कष्ट करें। उसी दिन वैलेंटाइन डे भी है, वैलेंटाइन डे के लिए भी जो सबों को जो है बहुत बहुत बधाई भाई। आखिरकार कितना उत्सुक होगा, कैसे करे कि बेहतर अंक आए, परीक्षा सेंटर पर जल्दी पहुंचे, क्या करे ना करे, इन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? और वैलेंटाइन डे के लिए जो है ना, वो जो है वो तो आप जानवे परीक्षा के लिए जो मैट्रिक का परीक्षा होगा उसके लिए क्या करें छात्र, समय पर पहुंचे क्या करें? उसके लिए लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जो परीक्षार्थी हैं, यदि बाई दिवे कहीं पे छूट रहे हैं, बाइक वाले हों, ऑटो वाले हों, और किसी यात्री जो है जिनका जो है परीक्षा नहीं छूट रहा हो, तो कम से कम ऐसे में जो मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चे लोगों को जो है सही समय पे जो है परीक्षा जाने के लिए जो है उसको बस में या किसी भी यात्रा का सुविधा जो है परीक्षा केंद्र में पहुँचाने का कष्ट करें। मैं आप लोगों से जो आम पब्लिक से यही अनुरोध करता हूँ, इनका परीक्षा नहीं सुधर गया।